ये तारक बेटा, ये आपके सामने जो ये क्वेश्चन लिखा गया है, ये है जी हमारे पास थर्ड पार्ट। अच्छा, इसमें मैं एक दफा वैल्यू लिख लेता हूँ। ये है 1/2, इसके आगे x-1/6, और फिर +2/3 इज इक्वल टू 5/6 फाइव ओवर सिक्स प्लस वन प्लस ओवर वन ओवर थ्री थ्री इंटू इंटू वन वन ओवर अपॉन टू टू माइनस माइनस 3x। जब ये हम लिख लेते हैं तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये जहन में रखना होता है कि जिन वैल्यूज के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, आप पहले तो उनकी फिलिंग कर लें थोड़ा सा। जैसे ये x है पहले, तो इसके नीचे डिवाइडेड बाय वन। ये लास्ट में बेटा 3x है, तो इसके नीचे डिवाइडेड बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कर लें। फिर उसके बाद तरीकाकार ये होता है कि हमारा जो नेचुरल प्रोसेस इसमें चलता है कि ऊपर वन है ना, वन को अगर आपने एक्स से करना है ना, तो आपको ये नीचे टू है, ये हमेशा डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होके ये वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब आप वन को इधर वन से करेंगे तो सिमिलरली टू जो है ना, ये इधर सिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर आप ये 1/3 की बात करते हैं, तो जब वन को वन से करेंगे तो थ्री को किससे करेंगे, टू से वन और जब वन को आप थ्री एक्स से थ्री से करेंगे, करेंगे थ्री तो को आप वन से। वन से करेंगे। तो ये सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेशन कर लें, इससे आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से इजी हो जाएगा। करें हाँ, वन को एक्स से करें तो ये आ गया जी x/2 x/2 -1/12। 12 ये तो आउटसाइड है मल्टीप्लाई, +2/3 5 फिर 5/6, ओवर 6 फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस शुरू, 1/6 सिक्स और माइनस थ्री एक्स -3x/3 ओवर थ्री। अब ये सारे सर। डिनोमिनेटर आपके सामने क्लियर हो चुके जी। उसके बाद ये ऊपर वन वन सा और नीचे ये, हाँ जी, ये मल्टीप्लिकेशन तो होगी। सारे नीचे डिनोमिनेटर्स देखें, अगर इन सब का एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम इसका बनता है जी 12। आप ऐसा करें कि तमाम वैल्यूज को 12 से मल्टीप्लाई कर दें, 12 एलसीएम है, सबको 12 से मल्टीप्लाई करें। मैं एक मिनट इसको जरा ओपन ओपन लिखता हूँ, फिर मल्टीप्लाई लिखता हूँ। ये x/2, फिर उसके बाद माइनस के बाद 1/12, फिर +2/3, फिर उसके बाद 5/6 प्लस लिख के तो 1/6, और माइनस लिख के तो 3x/3 लिख दिया। इन सब को जो मल्टीप्लाई करना है ना, हमने हमने 12 से करना है, क्योंकि एलसीएम 12 है। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा दें और बाय 12 लिखें, यहाँ पे भी ब्रैकेट इस्तेमाल करें और बाय 12 लिखें, यहाँ पर भी ऐसे ही, इधर भी ऐसे ही, इधर भी ऐसे ही, सबके साथ जब आपने 12 मल्टीप्लाई कर दिया तो बड़े आराम से इसकी कैंसिलेशन करना शुरू करें। जैसे पहले वाले का आ गया जी 2 1s, 2 6s, ये 12 12 से कैंसल, ये 3 कैंसल, 4s, 4 से ये 6 कैंसल, 1 से 2s, और ये भी 6 कैंसल, 2s, और ये 2 3 कैंसल, ये 3 आप4 वाले से भी कैंसल हो सकता है, कोई इसमें मसला तो नहीं होता। तो ये आपका ये मल्टीप्लिकेशन के बाद का स्टेप है। सर 12 से कर लें बेशक कैंसिल, या 3 से कर लें। ये एक ही बात है, दो मल्टीप्लाई तो वैल्यूज हो रही हैं। जी आपके सामने नीचे वैल्यू जो आएगी ये क्या होगी, जस्ट ये रह गया 6x -1 रह गया। वैल्यू क्या होगी, प्लस के बाद ये प्लस 4, एट फिर इक्वल साइन, फिर 10, फिर उसके बाद प्लस 2 माइनस 12x। 12x तो बेटा एक्स वैल्यूज को आप, मैं एक स्टेप में लिखे, हाँ 6x, और इन दोनों का क्या आ गया जी +7। दूसरी साइड पे आ गया जी 12,
माइनस ट्वेल्व माइनस एक्स, ट्वेल्व आप एक्स वैल्यूज को एक साइड पे ले जाएं, सिक्स एक्स प्लस 12x माइनस 7 प्लस 12। हाँ जी, तो ऐसी सिचुएशन में 18x इज इक्वल टू 5 आ गया और x इज इक्वल टू 5 बाय 8, 18 तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट बेसिकली हो गया।